दोस्तों बिहार को संपर्क और समृद्धि का आज एक नया आयाम मिलने के लिए जा रहा है। 18 सितंबर 2020 आज की यह तारीख बिहार के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, क्योंकि 516 करोड़ रुपया के लागत से बनी कोसी रेल महासेतु जो बिहार को पूर्वोत्तर से जोड़ती है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने के लिए जा रहा है। और इसके साथ ही साथ बिहार में कुल 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। तो आज के इस खास अवसर पे हम आप लोगों को लेके आए हैं सुपौल रेलवे स्टेशन, ताकि आप लोग भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन पाए। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आने वाले समय में मिलती रहे। दोस्तों इस वक्त हम लोग सुपौल रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस के सामने खड़े हैं। होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां काफी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और रेलवे के कई बड़े पदाधिकारी भी सुपौल रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब बस कुछ ही पलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। दोस्तों तो इस वक्त हम लोग प्रवेश कर चुके हैं सुपौल रेलवे स्टेशन में और यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो काफी जोरों शोरों से हो चुकी है और आगे ही डेमू ट्रेन खड़ी है। तो चलिए मैं बैक कैमरा को स्विच करता हूँ। तो चलिए आगे लेके चलते हैं और सारा कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों इस वक्त हम लोग सुपौल रेलवे स्टेशन के दक्षिण साइड है और यहाँ पे सामने में ही एक काफ़ी बड़ी LCD लगाई गई है, जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पीच दिखाया जाएगा एवं उसके बाद यह डेमू ट्रेन यहाँ से आसनपुर कुपाह के लिए रवाना होगी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं स्टेशन परिसर में कैसा माहौल है। इस कोरोना काल में भी काफ़ी सारे स्थानीय लोग आए हैं, क्योंकि आज सुपौल के लोगों के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन है और इस दिन का हिस्सा बनने के लिए काफ़ी सारे लोग आए हैं। दोस्तों सन 1887 ईस्वी में सरायगढ़ निर्मली के बीच छोटी रेल लाइन का लिंक बनाया गया था, जो सन 1934 ईस्वी में आए प्रलंकारी भूकंप में बर्बाद हो गया था, जिसके बाद से इस रेल लिंक को बहाल करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। सन 2003 ईस्वी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय कोसी की यह परियोजना पास हुई, जिसके बाद से अभी जाकर कोरोना काल में यह रेल पुल बनकर तैयार हो चुका है और इस पे ट्रेन दौड़ने वाली है। दोस्तों इस रेल पुल से ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक जाने में काफ़ी सुविधा होगी। तो चलिए थोड़ा सा ट्रेन के अंदर चल के हम आप लोगों को ट्रेन का इंटीरियर दिखाते हैं कि कैसा है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, चलिए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं। तो लगभग 86 सालों के बाद सुपौल से कोसी पार ट्रेन चल रही है, आप सफ़र कर रहे हैं क्या आज? हाँ जा रहे हैं हम लोग आसनपुर कुपाह। आसनपुर कुपाह जा रहे हैं, तो पहली बार आप सफ़र कर रहे हैं कोसी पार का, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत बहुत सुंदर, बहुत जीवनमय, पहला अनुभूति है। जो सुनते थे हम लोग जो 1934 में जो रेल बंद हुआ, इसके बाद छोटी लाइन कुछ दूर चला, लेकिन कोसी के उस पार तो नहीं गया, लेकिन इसीलिए हम लोग बाल बच्चे को लेकर के खास कर देखने के लिए जा रहे हैं। टिकट कटाए हैं, कुपहा जाएंगे, फिर टिकट कटा के आएंगे, उसको दिखाने के लिए जा रहे हैं। जो इतनी बड़ी परियोजना है जो आज चालू हुआ है, चलो उसका तुम लोगों को बच्चे छोटे छोटे मेरा पोता पोती है उस सबको लेके आए हैं। हम पिपरा से आए हैं, प्रखंड जदयू के अध्यक्ष हैं, सबको लेके आए हैं गाड़ी करके, और उस सबको ऐतिहासिक याद रहेगा। सर आपका क्या नाम हुआ? आलोक राज, युवा मोर्चा भाजपा जिला उपाध्यक्ष। भाजपा के उपाध्यक्ष हैं जी। तो जी सर आप आसनपुर कुपाह तक यात्रा कर रहे हैं जी? देखिए यात्रा के लिए हम लोग निकले हैं। आज का दिन गौरवशाली, ऐतिहासिक और वैभवशाली संपन्न भारत बनाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि यह आत्मनिर्भर बिहार बने, उसकी कड़ी में आज यह रेलवे स्टेशन से रेल प्रस्थान करने जा रही है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आज तक आज़ादी के लंबे अरसे बीतने के बाद भी कोसी विभक्त मिथिला
जुड़ नहीं पाया था। ये प्रधानमंत्री जी का दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प है कि आज कोसी मिथिला विभक्त जो थी ये जुड़ रहा है, और ये न केवल रेलवे मार्ग जुड़ रहा है बल्कि दो दिलों को जोड़ने का कार्य भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आज मोदी जी ने हम कोसी वासियों का कायाकल्प कर दिया है। आज हम कोसी वासी फूले नहीं समाते हैं। माननीय मोदी जी के द्वारा आज सुपौल से जो रेल परिचालन हो रहा है उसके लिए हम कोसी वासी गदगद हैं और तहे दिल से माननीय मोदी जी का हम लोग समर्थन करते हैं। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। तो बिल्कुल यह एक ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और कोसी क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक काफी बड़ा सौगात मिला है। दोस्तों यह सारी तैयारियां, यह सारा रंग रोगन तब तक फीका है जब तक कि कोसी वासियों को दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक जाने के लिए ट्रेनें नहीं मिलती है। हम सभी कोसीवासी रेल मंत्रालय से यह आग्रह करते हैं जैसे ही इस क्षेत्र में ब्रॉडगेज का काम पूरा होता है वैसे ही लंबी दूरी की ट्रेनें दी जाए ताकि हमारे इस क्षेत्र का विकास हो सके। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे इस तरह की वीडियो जब भी आएगी वो वीडियो आपको मिलती रहेगी।